अमन, शांति, अहिंसा, ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या हम सचमुच इनका अर्थ समझते हैं या फिर समझने की कोशिश भी करते हैं? अमन, हिंसा, अहिंसा से जुड़ी कुछ बातें हम दोस्तों ने मिलकर की, कुछ देखा, कुछ सुना और समझा भी। तो आइए शुरू करते हैं सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी से। वही कहानी, हंस किसका, जो हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। हम कुछ दोस्तों ने नंदिता दीदी के साथ बैठकर इसे टेलीविजन पर देखा और फिर हिंसा और अहिंसा के बारे में चर्चा की। चलिए देखते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे फूल। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? कुछ देर मेरे पास भी रुक जाओ। आहा, कितने प्यारे हंस हैं। अरे वाह, कितने सुंदर हंस हैं। आज इन्हीं का शिकार किया जाए। वो तो मेरा शिकार है। भाई जरा इसे देखो तो, ये कैसे दर्द से कराह रहा है। तीर लगा है, दर्द तो होगी। तीर मेरा है तो हंस भी मेरा है। क्या कहा, तुम्हारा? हाँ मेरा, ये मेरे तीर से घायल हुआ है। क्या, अभी मैं तुम्हें नहीं दूंगा इसे, पहले इसे ठीक हो जाने दो। देखो तुमने मेरी चीज हथिया ली है, यह हंस मेरा है, मुझे वापस दो। हंस किसका, जो मारे उसका या जो बचाए उसका? तो नितिन, तुमने इस नाटक में सिद्धार्थ का रोल किया और सिद्धार्थ ने एक बहुत अहम सवाल उठाया, क्या तुम उसका जवाब दे सकते हो? दीदी मुझे लगता है कि हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। मारना तो हिंसा ही है, मारने वाला कभी हकदार तो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये लफ्ज जो तुमने अभी इस्तेमाल किया, हिंसा, क्या तुम लोग कोई बता सकते हो कि हिंसा का क्या मतलब है? झगड़ा करना, मारपीट करना। बिल्कुल ठीक, लेकिन सोचो, क्या सिर्फ हाथ चलाने से, मारने से, लड़ाई इस तरह की करने से ही क्या यही हिंसा है? कभी हम जब किसी को गाली देते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, क्या एक मानसिक तरह की ये हिंसा नहीं है? कई बार तो हम बिना बोले लेकिन अपने विचारों से भी हिंसा पहुंचा सकते हैं। हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचे तो क्या ये हिंसा नहीं है? हाँ? इसीलिए कहते हैं कि वाणी, विचार और व्यवहार, इन तीनों से हिंसा हो सकती है। गांधी जी ने कहा था ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ये बिल्कुल ठीक। याद आ गया, एक बार जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उनकी एक प्रिटोरिया में मुकदमा चल रहा था। उन्होंने एक पहले दर्जे का टिकट खरीदा और ट्रेन में बैठे। जैसे ही वो बैठे, तभी एक गोरा आदमी आया, बैठा और बोला कि मुझे किसी काले आदमी के साथ सफर नहीं करना। और उसके बाद उसने रेलवे अधिकारी को बुलाया और अधिकारी ने आके गांधी जी से कहा कि आप दूसरे डिब्बे में जाके बैठो। गांधी जी ने नहीं माना। न मानने पर अधिकारियों ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। उसी क्षण से महात्मा गांधी ने ये ठान ली कि मैं जिंदगी भर अन्याय के खिलाफ मानव अधिकार के लिए लड़ूंगा। उसी दिन से गांधी जी का सक्रिय किंतु अहिंसक लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक ध्रुव।
गांधी जी से तो एक अमरीकी महिला को भी प्रेरणा मिली थी, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स काले रंग की थी और उन दिनों में मैंने सुना है बसों में काले और गोरे रंग के लोग अलग अलग बैठा करते थे। लेकिन रोजा पार्क्स एक दिन उस जगह में बैठी थी जहाँ गोरे लोग बैठा करते थे। जब उनसे उठने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बात तो इतनी सरल सी थी, है ना, लेकिन इसी से उन्होंने अपनी रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई शुरू की। बिल्कुल ठीक, लेकिन तब की बात तो अलग थी कि कोई मुझे गाल पे मारे तो मैं दूसरा गाल दिखा दूं। अब तो मैं जरूर उसको उठकर मारूंगा ही। पर देखो किशन, एक बात यह है कि रोजा पार्क्स और गांधी जी ने दोनों ने ही हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। बिल्कुल ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कोई अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करता है, मारता है, पीटता है तो उसको सहो, पर मुझे तो कई बार ये लगता है कि उन लोगों की जिंदगी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज तो उन लोगों की अहमियत और भी बढ़ गई है, वरना आप सोचो ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी। किसी ने आपको एक चांटा मारा, आप दो मारेंगे, फिर उसका जवाब वो तीन मारेगा, फिर आप चार मारेंगे। ऐसे तो बस पूरी दुनिया में मार धाड़, हमारे समाज में हिंसा बढ़ती ही जाएगी। क्या ये माहौल हम सबको अच्छा लगेगा? बिल्कुल। तो यानी इसका मतलब हुआ अब हमें इस विष चक्र को कहीं तोड़ना होगा। यानी अगर हम सोचे कि हम वो पहले आदमी हैं, आपको भी कभी गुस्सा आ जाता होगा और आप किसी को मारना चाहते होंगे, तो तब अगर हम सोचे कि नहीं, मैं अपने गुस्से पे काबू कर लूंगी, मैं शायद उस इंसान को एक अलग नजरिए से देखूंगी और अगर मैं उन्हें ना मारूं तो उन्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हिंसा हो। आप समझ रहे हैं ना? तो अब जहां भी हैं आप, चाहे पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और डॉक्टर है, अलग अलग अपने अपने लेवल पे हम इस लड़ाई को बंद कर सकते हैं। फिर तो वो लोग हमें कमजोर सोचेंगे। देखो दीदी, गांधी जी और रोजा पार्क्स, वो उनकी बात अलग है, हम महान तो नहीं है। हमसे नहीं होगा दीदी, ये बहुत ही कठिन है। हम अपने आप को छोटा क्यों समझते हैं? ये कहना आसान है और करना मुश्किल, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। हम सब अगर ठान ले अपने अपने स्तर पर, अपने अपने दायरों में, अगर हम सोच ले कि हम इस तरह की हिंसात्मक बातें ना सोचेंगे, ना कहेंगे, ना करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये हम सब पे निर्भर करता है। पर हम कमजोर नहीं लगेंगे? बिल्कुल नहीं, करके देखो। तो आज से हम सब लोग प्रण करते हैं कि हम कोशिश करेंगे। वरना आजकल की दुनिया में तो मुझे लगता है कि अहिंसा के अलावा शांति को बनाए रखने का और कोई तरीका है ही नहीं। विचार और वाणी से भी हिंसा होती है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। हिंसा के इस बढ़ते दौर में हमारे व्यवहार में संयम और विवेक ही हिंसा को कम कर पाएगा। हिंसा का जवाब हिंसा से देने से स्थिति सुधरने वाली नहीं। अब देखिए, यहाँ विचार, वाणी और व्यवहार तीनों में हिंसा झलकती है। अरे मरेगा क्या है ये बता, तू मरेगा क्या है ये बता। मेरी गाड़ी मिली तेरे को मरने के लिए? तेरी गाड़ी क्यों मिली तुझे? मेरे साइकिल मिली तोड़ने के लिए? मैं तेरे को इतना मारूंगा ना तो शक्ल पहचानने भूल जाएगा तू। मैं तेरे को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, याद करेगा तू? मैंने बहुत देखे तेरा छुआ। अच्छा, किस बेवकूफ ने ये ऑटो यहाँ खड़ा कर रखा है? ये गाड़ी मेरी है। तो ये क्या तकलीफ है आपको है? क्या बदतमीजी है, यहाँ हटाते क्यों नहीं यहाँ से? अरे इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? हटा रहा हूँ ना, हमें खाली खड़ा यहाँ पर क्या? अरे देर हो रही है, हमें बहुत जल्दी पहुँचना है, जल्दी हटिए यहाँ से। बदतमीज कहीं से आ जाते हैं, हटाते हैं नहीं। अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो जाते क्यों नहीं? मैंने किसकी किसकी शक्ल देखी थी जो मैं यहाँ फंस गया आके? जाओ हटाओ हटाओ। इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, उधर से नहीं निकल सकता है क्या? दिखाई नहीं देता है क्या तेरे को? तेरे को दिखाई नहीं देता? हाँ, हाथ में दौड़ेगा तू? चलो, तेरी साइकिल में घंटी लगी, घंटी नहीं बजा सकता है क्या? अरे घंटी तो बज रही है, तू नहीं बजा सकता है क्या? तो छोड़ दे, भी बता दूं मैं तेरे को। है सीमा, साइकिल वाले को भी डांटने के लिए कोई मिल ही गया। हद हो गई, हर एक को अपने वाहन का गुमान है। आजकल तो लोग बात बात में एक दूसरे को डांटने लगते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, बिना बात में किसी का अपमान कर देते हैं। जब देखो तब लड़ाई। ये सब कुछ बढ़ ही गया। नहीं, हाँ वो तो होगा ही सीमा, क्योंकि हर कोई सोचता है
मैं सच्चा, दूसरा गलत, वो छोटा मैं बड़ा। अजमा, इसी को हिंसा कहते हैं? नहीं, मुझे तो हिंसा शब्द से ही डर लगता है, मानो हिंसक पशु सामने आ गया हो। रे, अरे सेतु भैया, कैसे हो? ठीक है, बस ठीक। देख, मैंने भी तुम्हारी बातें सुन रहा था। देख, अपने गुस्से अपने गुमान पर ना काबू पाना बहुत मुश्किल है, दूसरे की गलती देखनी तो बहुत आसान है कि नहीं? सेतु भैया, बात कुछ भी नहीं होती, लोग बात बात में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को सुनने का धीरज तो किसी में है ही नहीं। वो तो है। सेतु भैया, जानते नहीं हमने क्या देखा आज, अगर सभी इस तरह लड़ने लगे तो फिर इस लड़ाई का तो कभी अंत होगा ही नहीं, किसी ना किसी को कभी ना कभी तो चुप रहना पड़ेगा। तो है, अरे इसी मैडम को ही देख लो, एक बार घंटी बजाई तो दरवाजा खुलना ही चाहिए, नहीं खुला तो एक दो तीन चार बार घंटी बजाई चली जा रही है, हद हो गई है तो। अरे सीमा, दरवाजा शायद खुला ही हुआ है, अरे देखो तो सही, ये देखो। ओ अच्छा, आओ अंदर, मैं चलती हूँ। अरे नजमा कहाँ जा रही है? देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, 5 मिनट चलिए आज। अच्छा चल चल चल। अच्छा सीमा, अब बता वो क्या बात थी? सेतु भैया, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि हम एक ग्रुप बनाए जिसका नाम हो दोस्ती ग्रुप। दोस्ती ग्रुप? उसमें क्या करना होगा? हम आसपास के हम उम्र के लोगों को उसमें शामिल करेंगे, एक दूसरे के साथ आदर पूर्वक बातें करेंगे, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। नजमा, नजमा जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे। सीमा, ऐसी बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, कुछ ठोस काम होने चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। जा कहाँ रही है? तुम भी तो सोचो ना हमें क्या करना चाहिए। चली जा रही है। क्या? हम हफ्ते में एक बार मिलेंगे, मिलकर अच्छी किताबें पढ़ेंगे और जो पढ़ा है उस पर बातें करेंगे, क्यों? ये अच्छा है। हाँ, एक और बात, उस दिन हर एक सदस्य हमें ये बताएगा कि उसे जब गुस्सा आया तो उसने गुस्से पर काबू कैसे रखा, किसी का अपमान करने का मन करा तो अपने मन को कैसे रोका, है कि नहीं? ये हुई ना बात। ठीक है, पर कब शुरू करें? परसों छुट्टी है, मैं 3 बजे आती हूँ, फिर हम दोस्ती ग्रुप के सदस्य बनाने निकल पड़ेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा सीमा से तो भैया मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। नजमा, परसों ठीक टाइम पे आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ, आ जाऊंगी। पहले दिन का पहला घर है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हेलो जोसेफ। हेलो। मेरी है? हाँ मेरी, देखो तो कौन आया। अरे वाह, तुम लोग आज यहाँ का रास्ता कैसे भूले? आओ आओ अंदर आओ। नहीं, फिर कभी। तुम दरअसल हम मीना और राहुल के घर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। क्यों? दरअसल मेरी, हमने दोस्ती ग्रुप बनाने का सोचा है। दोस्ती ग्रुप? हम हर हफ्ते मिलेंगे और ऐसी बातें करेंगे जो तुमने कभी ना की होगी। ऐसी बातों से मुझे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो तुम घंटों भर टीवी के सामने बैठी रहती हो उसकी बजाय कुछ अच्छी बातें सुनोगी। जोसेफ, लगता है जोसेफ को हम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू जोसेफ। चलो अब मीना और राहुल के घर चलते हैं। चलो चलो जोसेफ, चलो। बात देखो ना, इसने मेरा पैसे बॉक्स उठा लिया। मैंने कहा होता है नहीं, मैंने रखा होगा। मैंने रखा होगा? मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? झूठ मैं बोल रहा हूँ? झूठ तुम बोल रही हो? देखो मारिया हमेशा झूठ बोलती है। उसे भी कह रही थी कि मैंने इसकी कॉपी उठाई थी। इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? चिल्ला रहा हूँ मैं? चिल्ला रहा हूँ?
क्या? नमस्ते मौसी, वो मीना है? मीना घर में नहीं है पर... देख मेरी, इसे कहते हैं हिंसा। कितना दुख है इनकी जिंदगी में। सच में अब क्या करें बता। कोई बात नहीं, मैं मीना के पास फिर आऊंगी कल, हम उसे दोस्ती रूप में जरूर शामिल करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो अब आशुतोष के घर चले। ठीक है, पर कल यहाँ जरूर आएंगे। हाँ जरूर, चल। दोस्ती ग्रुप बनाना बहुत ही मुश्किल था, बड़े खट्टे मीठे अनुभव हुए। किसी ने हाथ बढ़ाया तो किसी ने मुंह फेर लिया, पर नंदिता दीदी की वो बात याद रह गई। आप चाहे पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और डॉक्टर है, अलग अलग अपने अपने लेवल पे हम इस लड़ाई को बंद कर सकते हैं, इस अहिंसा में रोक लगा सकते हैं। दोस्ती ग्रुप बन ही गया। देखो मैंने और नजमा ने दोस्ती ग्रुप के लिए गीत बनाया है। वाह। और किशन भैया ने उसे सुर दिया है। तो क्यों ना हम इस बैठक को उसी गीत से शुरू करें। ये लो नजमा, तुम गाने को शुरू करो। अच्छा ठीक है, चलो किशन। चोट से घायल मन हो, अपमानों का आतंक हो, बदले की भावना जाग उठे, या दिशाहीन जीवन हो, तब हिंसा भभक उठती है, लपटों में जकड़ लेती है। जब भय से आकुल मन हो, या हीन हताश जीवन हो, जब मन में बहुत घमंड हो, या देश जुलसा मन हो, तब हिंसा भभक उठती है, लपटों में जकड़ लेती है। मैं दस तक दू दरवाजे पर, तुम खोल के ना पहचानो, मैं हंस कर हाथ बढ़ाओ, तुम आशंका से भय पाओ। तब मैं हंस दूं फिर एक बार, एक बार, एक बार। तब मैं हंस दूं फिर एक बार, होठों पे तुम्हारे निखरे प्यार। तुम समझो मुझे, मैं तुमको, मैं तुम्हें सुनूं तुम मुझको, हम मिलके लाए अमन को, हटाए हिंसा के भय को। हमने मेहनत की और इसमें आनंद भी आया। धीरे धीरे इस ग्रुप के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। हम अक्सर आपस में मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। उस दिन मैं क्लास में बैठी हुई थी और मेरी हिंदी टीचर ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई, और जब क्लास खत्म हुई तो मेरी फ्रेंड गीता मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं बुद्धू हूँ और मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं आता। क्या हुआ? तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे को मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मैंने गुस्से में आकर उसकी किताब ही फाड़ दी। फिर सारे बच्चे उसके साथ मिलकर बुद्धू 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 ऐसे करके मुझे चिढ़ाने लगे, मुझे बहुत रोना आया। फिर जब मैं दोस्ती ग्रुप में शामिल हुई तब मुझे एहसास हुआ कि किसी का नुकसान करना भी एक प्रकार की हिंसा ही हुई ना। हाँ, और किसी के कहने से कोई छोटा तो नहीं होता, और एक जवाब ना आने से कोई बुद्धू तो नहीं होता। पर एक अच्छी बात हुई कि मैं उस दिन के बाद और मन लगा कर पढ़ने लगी।
अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पेपर्स चल रहे थे और मेरी दोस्त रेशमा ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं अपने मैथ्स पेपर में नकल मार रही थी। उसने ये भी कहा कि वो हमारे टीचर से जाके मेरी शिकायत कर देगी। मैं तो ऐसे गलत काम कभी नहीं करती और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगाया। मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैंने सोचा मैं तभी जाके उससे झगड़ा करूँ और उससे कभी बात नहीं करूँ। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो कभी भी मुझे ऐसे तंग ना करे। फिर मुझे याद आया कि गुस्सा किसी बात का हल नहीं होता है। ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। जब गुस्सा आता है तो मन में और कुछ नहीं सोचता, लेकिन गुस्से का एक ही परिणाम है कि दोनों तरफ से दुर्भावना बढ़ जाती है। तभी मैंने ठान ली कि मैं आगे से अपने गुस्से को काबू में रखूंगी। फिर पता है अच्छी बात क्या हुई? जब रेशमा ने देखा कि मैं उसे उल्टी जवाब नहीं दे रही हूँ तो फिर उसने भी मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और वो बात वहीं पे खत्म हो गई। दीदी मैं वो क्रिकेट वाली बात बताऊं? हाँ बताओ। पता है मैं परसों प्रैक्टिस कर रहा था तब एक बड़ा लड़का आया, उसने मेरी बॉल छीन ली और मेरे को मार कर चला गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मन करा मैं उसको बैट मारूं। पर जब मैंने शांत मन से इसको सोचा कि अगर मैं उसको मारता तो वो मेरे को वापस दो मारता और फिर लड़ाई बढ़ती, तो फिर हम दोनों में फर्क क्या रह जाता। पर अब मेरे को उन बातों का महत्व पता लगा है और अब मुझे हिंसा का असली अर्थ पता लगा है। अहिंसा का कोई ठोस स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन अहिंसक व्यवहार से आप ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो आपके भीतर भी है और बाहर भी। दूसरे के हिंसक व्यवहार को रोकना तो मुश्किल है, पर हम अहिंसक व्यवहार की पहल तो कर ही सकते हैं। क्यों ना हम आज से अपने को ध्यान से देखें, हमें अपने में कहाँ सुधार की ज़रूरत है, अपने विचार, वाणी और व्यवहार में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से हमारे आसपास, हमारे समाज और पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकेगी। मुझे तो विश्वास है, आपको भी है ना? तब तुम हंस दो फिर एक बार, मेरी आंखों में प्यार 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 प्यार। तुम हंस दो फिर एक बार, मेरी आंखों में प्यार प्यार।